नमस्कार दोस्तों, ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स के कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा, आप ये मान लीजिए कि 80-90% तक आपके जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मार्च 2021 में, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ऑल ओवर द इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं भी जो भी कोई इनकम टैक्स के थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरे काम करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और ऑल को भी आपको प्रेस करना है ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज देना चाहता हूं कि अगर आपको कॉमर्स के किसी भी पेपर के लिए ओपन बुक एग्जाम से संबंधित कोई हेल्प चाहिए किसी भी तरह की, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये बोर्ड पर भी लिखा हुआ नंबर है। और इसके साथ ही ओपन बुक एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, इसको किस तरह से आपको लिखना है, कैसे अपलोड करना है, उस सबसे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर आपसे यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसको मैंने बिल्कुल जैसे आपका सिलेबस है यूनिट वाइज मैंने इसको उसी तरह से लिखा है। तो ये है हमारा पहला यूनिट 1, जिसके अंदर हमारे होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ये करने चाहिए। जैसे कि पर्सन में 7 तरह के पर्सन होते हैं, आप सिर्फ उनके वो नाम बता देंगे। असेसी, जब आप पर्सन पढ़ेंगे उसके साथ में आपको असेसी भी पढ़ना चाहिए। असेसी क्या होता है, वो पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी होती है। फिर असेसमेंट ईयर आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन। असेसमेंट ईयर होता है जिस साल में हम कैलकुलेशन करते हैं इनकम टैक्स की और फिर रिटर्न फाइल करते हैं। इसके बाद इनकम है। इनकम क्या होती है, इनकम में कौन कौन सी इनकम्स आती है, हमें सिर्फ यही बताना होता है इनकम में। फिर है हमारा जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, जो भी 5 हेड होते हैं सारी इनकम जोड़ देते हैं तो उससे जीटीआई बन जाता है। फिर उसके बाद है टोटल इनकम, जीटीआई में से हम डिडक्शन माइनस कर देते हैं तो हमारा टोटल इनकम बन जाता है। ये वाली जो टर्म्स है ये सब 5 नंबर की आती है। फिर इसके अलावा ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं स्टार लगा देता हूं कि क्या होता है और इसके एक्सेप्शंस क्या है, इसके अपवाद क्या है। तो इसके 5 एक्सेप्शंस है, 5 अपवाद है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ के एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, कैसे होती है। तो एग्रीकल्चर इनकम आप बता देंगे वो कौन कौन सी होती है, उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज अप्लाई करते हैं, बेसिक और एडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वो बता देंगे। फिर इसका जो ट्रीटमेंट है कि किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन 2 हिस्सों में करते हैं, तो उसका अपना तरीका है, आपको वो इसमें सारा लिखना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन जो आपके 7-8 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम के अंदर डिफरेंस, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो इतना काफी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। लेकिन ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें आपको इसके पूरे रूल्स बताने पड़ेंगे, जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है कैटेगरी बेसिक कंडीशन वाली और एडिशनल कंडीशन वाली, तो वो कैटेगरीज आप बताकर इसको आप डिफाइन करेंगे। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, कैसे आपको कैलकुलेट करना होता है, तो उसके भी जो रूल्स हैं आपको वो बताने होंगे, जिसमें कर्ता वाला रूल आता है। फिर इसके बाद है इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, इस लाइन के ऊपर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो क्या होता है, यहाँ पर ना आपको इसके आंसर में इसकी जो टेबल होती है वो टेबल आपको यहाँ पर बताकर दिखानी होगी।
जिसके अंदर तीनों तरह के रेजिडेंट के लिए हम बताते हैं कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी नहीं है। तो इसके लिए इन सब पर मेरे ना वीडियोस पहले से ही बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक्स लेकर आप सारी वीडियोस आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बताते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तो इनके लिए अपनी एक टेबल बनती है, वो टेबल आप इसमें बताइए। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है एग्जम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर आपकी बहुत सारी इनकम्स है जो एग्जम्प्ट है, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो वो जनरली आपसे पूछ लेता है वो कौन सी पांच ऐसी इनकम है। मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर आप अपनी ऐसी 10 इनकम पढ़ लीजिए जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ये क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर का ही आता है। इसके बाद बात करें सैलरी की, सैलरी से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं थ्योरी के लिए, एक आपको पढ़ना है लीव इनकैशमेंट या लीव सैलरी इसको बोलते हैं, यानी छुट्टियों के पैसे जो मिलते हैं। फिर है प्रोविडेंट फंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है पेंशन, पेंशन के बार पूछता है इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि कंपनी से लोन ले लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना है, तो ये। फिर मेडिकल रीइंबर्समेंट है, यानी मेडिकल फैसिलिटी भी इसको बोलते हैं। फिर एडुकेशन फैसिलिटी है। फिर सैलरी टैक्सेबल बेसिस, जो सैलरी है वो दो बेसिस पर टैक्सेबल होती है, ड्यू बेसिस पे और रिसिप्ट बेसिस पे। तो इसको लेते हुए वो कुछ भी एक सेंटेंस बना देता है और कहता है इस पर कमेंट करिए। और फिर उसके बाद है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये वाली जो क्वेश्चन है ये आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके जो है ये 5 नंबर के आपसे इंडिविजुअली पूछ लेता है एक एक। और जो ग्रेच्युटी और रेंट फ्री अकोमोडेशन है ये वो, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़े से, ये वो 7 से 8 नंबर के वेटेज के अंदर पूछता है। तो इतना आप कर लेंगे तो आपके लिए काफी हो जाएगा। अगर आप थ्योरी बेस पर ही पास होना चाहते हैं या प्रैक्टिकल अगर आप कम करना चाहते हैं, थ्योरी ज्यादा करना चाहते हैं, तो आप इनके ऊपर काफी ध्यान दे सकते हैं। जैसे जो आपका सैलरी का क्वेश्चन आता है तो सैलरी के क्वेश्चन के साथ उसकी थ्योरी जो है वो ऑप्शन के अंदर कई बार आती है। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने का फायदा क्या होगा, वो ये होगा कि अब जैसे आपके ओपन बुक एग्जाम होने हैं, तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस पहले से ही पढ़ लिए और आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, किस चैप्टर में कैसे आता है, तो जब ओपन बुक एग्जाम आप लिखने बैठेंगे तब आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को पहचान पाएंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ पर है, कौन सा है और उसका आंसर क्या है। तब उससे आपकी बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होगी और आप आसानी से उसको लिख देंगे। अगर आपको इन चीजों का पता ही नहीं होगा तो होगा क्या, आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में। पहली बात तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो क्वेश्चन जो है वो है किस चैप्टर का। आइए चलते आगे, अगला चैप्टर इसमें आता हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी में आपने मेनली बस 2 ही सेक्शन पढ़ने हैं, 24 और 27। एक छोटी सी डेफिनेशन आप एनुअल वैल्यू के लिए पढ़ लेंगे तो सेक्शन 23 में आती है और इसकी जो डिडक्शंस है वो 24 में आती है। इसकी दो डिडक्शन बनती है, एक बनती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की और एक बनती है इंटरेस्ट वाली। तो ये दोनों डिडक्शंस आपको यहाँ पर करनी है। और ये कहता है कि एनुअल वैल्यू में से कौन कौन सी चीजें डिडक्ट होती है, माइनस होती है, तो इसमें से एक आपका ना म्यूनिसिपल टैक्स भी माइनस होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर इसमें बताना होगा। फिर इसके बाद सेक्शन डीम्ड ऑनरशिप का, के कौन कौन से माने हुए मालिक होते हैं, तो ये भी आप पढ़ लेना, वो सिर्फ 5 नंबर का आता है, जबकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये 8 नंबर का आता है। अब क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो एक नए फॉर्मेट में आएंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बदल गया है, नया सिलेबस आप लोगों के लिए अब लग गया है, तो इनके जो नंबर्स है, जो मार्क्स है, वो कुछ चेंज हो सकते हैं जरूर। इसके बाद अगला चैप्टर है जी कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन से आप क्या करेंगे, एक आप करेंगे भाई कैपिटल असेट क्या होती है और इसके टाइप्स क्या है। कैपिटल असेट में हमें ये बताना होता है कि सारी की सारी कैपिटल असेट है, इन चीजों को छोड़ के बाकी सब कैपिटल असेट में आती है, ये इसकी डेफिनेशन हुई। फिर आपको कैपिटल असेट बतानी है, टाइप्स ये तो बताएंगे आप, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ये बताएंगे। फिर इसी तरह से कैपिटल गेन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या है, तो कैपिटल गेन आप बताएंगे कि कैपिटल असेट को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल गेन हो गया। फिर इसके टाइप्स बताएंगे आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
ये आता है हमारा 7 से 8 नंबर का एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये। इसके अलावा फिर है डेप्रिसिएशन और ब्लॉक ऑफ असेट, वो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, इंपॉर्टेंट है ये, 5 नंबर का आता है। फिर कैपिटल गेन की एग्जम्पशंस है जो कि आती है सेक्शन 54 वाली, ये बहुत सारी एग्जम्पशंस है, तो आप एक काम कीजिएगा इसके अंदर जो 54F वाली है ना वो मैं कहूंगा कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे वो स्पेशली पूछ लेता है अलग से। फिर अदर सोर्स के अंदर आप क्या करेंगे, अदर सोर्स के अंदर आप करेंगे 5 टैक्सेबल इनकम्स अंडर दिस एक्ट, आप ऐसी कोई भी 5 इनकम बताइए जो अदर सोर्स के अंदर आती है। ये क्वेश्चन यहां से हमेशा पूछा जाता है, इकलौता क्वेश्चन 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अब हम देखें तो हमारे सारे हेड खत्म हो गए। अब आप ये कहेंगे कि भाई इसके अंदर पीजीबीपी का चैप्टर तो आया नहीं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो वो चैप्टर मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उससे कुछ भी इंपॉर्टेंट थ्योरी आती ही नहीं है। जो बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे उनके लिए तो वो चैप्टर बिल्कुल छोड़ देने लायक है, उसमें आपको कुछ भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं तो उनके लिए वहां से प्रैक्टिकल आता है। अब इसके बाद देखें तो यूनिट 4 आ जाता है हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम का। इसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है, आपने एक तो पढ़ना माइनर वाला, इसको मैं स्टार लगाऊंगा, ये नंबर 1 है, और इसी के साथ में स्पाउस वाला। मैं आपको कहूंगा कि ये दोनों ही एक के बाद एक अल्टरनेट चेंज होते रहते, कभी माइनर कभी स्पाउस, और बहुत कम ही वो सन्स वाइफ वाला पूछता है, असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ यानी बहू को असेट ट्रांसफर कर दी है तो इनसे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है क्लबिंग ऑफ इनकम के। फिर उसके अलावा वो पूछ लेता है क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में बताओ, तो अब यहां पर ना आपको सारे बताने पड़ेंगे जितने भी होते हैं, माइनर के, स्पाउस के, बेटे को ट्रांसफर, बहू को ट्रांसफर, किसी और थर्ड पर्सन को ट्रांसफर, रेवोकेबल ट्रांसफर, इस तरह से आपको सारे बताने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, इसलिए ये क्वेश्चन 10 नंबर का बनता है, हैवी क्वेश्चन ही हो जाता है। फिर इसके बाद है आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जो लॉसेस होते हैं तो उनको हम प्रॉफिट से एडजस्ट कर देते हैं, और अगर वो पूरा एडजस्ट नहीं हो पाया तो उसको अगली बार के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं अगले साल के लिए। तो इसमें आप बस वही पढ़ लो, बिजनेस लॉस को कैसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस में आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो ये 8-8 नंबर का कोई भी एक पूछा जा सकता है। इसके अलावा रिडक्शंस आती है, रिडक्शंस बहुत सारी होती है, 80C से लेके 80U तक बहुत सारी रिडक्शंस है, तो जो इंपॉर्टेंट रिडक्शंस है जो बार बार पूछी गई है तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। 80C वाली है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वाली, 80D ये मेडिकल वाली है, ये एडुकेशन वाली है, 80E की, 80Q B है ये, और फिर 80U है हैंडीकैप वाली, तो ये वाली जो है ये इंपॉर्टेंट आपकी है डिडक्शंस, इनको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। जो लास्ट यूनिट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाला, इसमें से आप सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो रिटर्न कितने तरह की होती है, जैसे ओरिजिनल रिटर्न हो गई, बिलेटेड रिटर्न हो गई, रिवाइज रिटर्न हो गई, और इसकी ड्यू डेट्स कौन कौन सी होती है, किस एसएससी के लिए किस तरह की ड्यू डेट होती है, इंडिविजुअल के लिए, फर्म के लिए, AOP BOI के लिए, कंपनी के लिए, और अगर रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो कौन कौन सी पेनल्टी इसके अंदर लगती है। तो ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको बता दिए, उम्मीद करते हैं उससे आपको काफी फायदा होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यूबल लगी वीडियो तो एक लाइक कर देना, और जितना हो सके अपने यार दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।